आप सभी का स्वागत है KTCSE क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चेक वेदर 6n कैन एंड विद अ डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारे नंबर ऐसे हों जो n की जगह एंड होते हों 0 डिजिट से, जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। 6 के आगे जो भी नंबर हो हमारा उसकी लास्ट डिजिट 0 हो, और फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और जो n आएगा वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कौन कौन से नंबर जिसके एंड में 0 आता हो। तो आप देखेंगे अगर 10 होता है तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 5 होता है। 100 के फैक्टरों में भी 2 × 5 आएगा और 1000 के फैक्टरों में भी 2 × 5 आएगा। इफ़ अ नंबर एंड विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 और 5। अब जिसके भी प्राइम फैक्टर के एंड में जिसके भी 0 आता हो उसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 × 5, यानी कि 2 और 5 जरूर होना जरूरी है। तो हम चेक करते हैं कि 6 के जो फैक्टर्स होंगे उसमें 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 2 और 5 आता है 6 के फैक्टर में तो उसकी लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो 6 के हम फैक्टर निकालते हैं, 6n इक्वल टू, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3n, यानी कि हमारे क्या आ रहा है, 2 × 3। 5 कहीं भी नहीं आ रहा है इसमें, तो इसीलिए जो इसकी लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट जो होगी वो 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 होने के लिए 2 × 5 होना ज़रूरी था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6n cannot be and with digit 0 because its prime factorization या prime factor its prime factor do not contain pair of 2 × 5। तो यही हमारा पूरा सॉल्यूशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।